योगी मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बंधन आजाद भारत की आवाज और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों इस वक्त हम जनपद बहराइच के कैसरगंज विधानसभा 288 के अंतर्गत एकलव्य महाविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चिंतन सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी मेरे बीच में मौजूद थे और अब हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबे के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी भी मौजूद हैं। वह भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं गौरव वर्मा भी मेरे बीच में मौजूद हैं। तो बाबू जी आज चिंतन सभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में चिंतन सभा एक कार्यकर्ताओं के बीच में एक चिंतन का विषय जी, और विषय इसलिए क्योंकि आज दुनिया में मोदी जैसे संत ने भारत को सम्मान दिया दिलाया है और इतना सम्मान दिलाया है कि जो इससे पहले हम लोग कल्पना नहीं करते थे। भारत को इतना शक्तिशाली बनाने की ओर आगे बढ़ गए हैं कि आज भारत गर्व अनुभव करता है। और ऐसे ही भारत को संपन्न बनाने के लिए गांव गरीब का चिंतन, गरीब को ही आराध्य मानकर उसकी पूजा, ये मानकर जो योगी जी ने मोदी जी ने शुरू किया है, उन सारे विषयों को कार्यकर्ता के बीच में रखना, उनको बीच में ये कहना कि व्यक्तिगत जो विषय हैं वह छोड़कर अब देश प्रदेश और गरीब जनता का विषय है, इसको सामने लाना चाहिए, ये विषय आज का था। सर एक चीज़ और है, मीटिंग में ये कहा गया कि लोकतंत्र में जनता जो है स्वयं मालिक है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से, क्यों, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जनता ही सबकी नियुक्ति करती है, चाहे वो पंच प्रधान है, चाहे MLA है, चाहे वो MP है, सबकी नियुक्ति उसी के द्वारा होती है। इसलिए जो जिसके हाथ में नियुक्ति करने का अधिकार है वही मालिक है जी। चलते चलते छोटा सा सवाल और, बाबूजी कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप, उस एरा में काम कर रहे हैं जिस एरा में भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत फिर से वापस आ रही है, जो दसियों हजार वर्षों तक रहेगी। भारत में गुंडागर्दी, उत्तर प्रदेश में भी गुंडागर्दी को किनारे लगाने का काम हो रहा है, यहाँ के गाँव को भी संपन्न करने का काम हो रहा है, यह आपके हाथों में हो रहा है, इन कार्यकर्ताओं के हाथों में हो रहा है, इसलिए अपने को सौभाग्यशाली मानकर इस काम में जुटना चाहिए। गौरव भैया क्या कहना चाहेंगे जनता से, अपील करते हुए कम शब्दों में क्या कहेंगे? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल से सुखी और समृद्धि की ओर बढ़ा है, पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और आगे ले जाने का संकल्प लेकर हम सब जनता के बीच जा रहे हैं और कार्यकर्ता और जनताओं का भरपूर आशीर्वाद निश्चित ही हमको मिलेगा और हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 300 के ऊपर सीटें लाकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। जरवाल रोड में मौजूद है और अभी यहाँ पर लोकप्रिय बाहुबली सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी का आगमन होगा। मैं इस वक्त हेलीपैड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी संख्या में फोर्स भी पहुँच चुकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि आज इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी यहाँ हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। तो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं जनपद बहराइच के कैसरगंज विधानसभा 288 में सूबे के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का हेलीकॉप्टर जरवलोट में लैंड होगा। इस वक्त हेलीपैड की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां पर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और इधर आप देख रहे हैं सुनील सिंह जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ में मौजूद हैं राजन सिंह जिला पंचायत सदस्य पूर्व और उसके साथ आप देख रहे हैं यहां पर मौजूद है विनय सिंह व मोनू मिश्रा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। तथा अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूं प्रशांत अग्नोत्री के द्वारा एक बड़ा सा झंडा भारतीय जनता पार्टी का हाथ में लिए हुए झंडे को मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ये सभी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हेलीपैड की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है, वाहनों का आवागमन जारी हो चुका है और आप देख रहे हैं थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह व कमलेश कुमार सिंह CO की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त हेलीपैड पर ही मौजूद है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बस चंद मिनटों के बाद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का उड़न खटोला यहाँ पर उतरने वाला है। दोस्तों साथ में देख रहे हैं पवन सिंह भी मौजूद है और आप देख रहे हैं विक्टर बना करके विजय की मुद्रा में यहाँ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। प्रशांत अग्नोत्री की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, संजय राव की तस्वीरों को आप देख रहे हैं दोस्तों, और बस
पहुंचने वाला है हेलीकॉप्टर। ये देखिए तस्वीरों में हेलीकॉप्टर आ रहा है दोस्तों, जिसमें सांसद ब्रजभूषण सिंह सवार है दोस्तों। बस धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है दोस्तों। मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है दोस्तों। इस वक्त सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह जी का पहली बार जरवलोट की पावन धरती पर हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है दोस्तों। आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर बिल्कुल जमीन को छू गया और बस चंद मिनटों के बाद सांसद ब्रजभूषण सिंह उतरने वाले हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मैं थोड़ा जूम करके नजदीक ले जा रहा हूं, आपको दिखाऊंगा। सांसद ब्रजभूषण सिंह हेलीकॉप्टर से उतर चुके और यहां पर आप देख रहे हैं पैर छू करके सांसद ब्रजभूषण सिंह जी का लोग आशीर्वाद ले रहे हैं दोस्तों। और अब अपने अपने वाहन में सवार हो चुके सीधे एकलव्य विद्यालय के अंदर मैं आपको ले आया हूं, जहां पर सांसद ब्रजभूषण सिंह अपने वाहन से उतर चुके हैं और अरुण कुमार श्रीवास्तव जो एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं, वो भी यहां मौजूद हैं दोस्तों। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जरवल से पूर्व प्रमुख मनीष प्रताप सिंह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं दोस्तों। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का पैर छू करके लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। सुनील सिंह अरुण श्रीवास्तव की तस्वीरों को आप देख रहे थे दोस्तों। अब हम आपको एक बड़ी सी माला के द्वारा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है, वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं गौरव वर्मा जो विधानसभा 288 से प्रत्याशी हैं, यहां पर सांसद ब्रजभूषण सिंह उनको आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। तस्वीरों में मैं आपको आगे ले जा रहा हूं, पुनः एक गुलदस्ता देकर के गौरव वर्मा ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का स्वागत अभिनंदन किया दोस्तों। साथ में मौजूद है मुकुट बिहारी वर्मा कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। और अब आपको संबोधन की ओर मैं ले जाता हूं, धन्यवाद। साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष, पांचों मंडल के अध्यक्षगण, शक्ति मित्रों, अभी जैसा कि सांसद जी ने निर्देश दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने और इसको हमारे देश में अलग लगाई है उसको ध्यान में रखकर के मतदान करना है। भाजपा के कमल फूल पर मोहर लगाने के जो प्रत्याशी आ रहे हैं कि युवा हैं, वो करेंगे, सहयोग करेंगे। युवा भारतीय जनता पार्टी कैसर गए 288 में कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्घाटित हम लोगों सांसद कैसर गए। ये चुनावी समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है और निश्चित तौर पर हम सब लोग पूरे कैसरगंज विधानसभा में गौरव बन करके, गौरव वर्मा बन करके हम लोग अगर हम लोग चुनाव तो अच्छे खासे वोटों से हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। मंत्री श्री मुकुट बिहारी जी, आपके गौरव वर्मा जी, सरवैया जी 1500 किलोमीटर दूर से यहां पर आए हैं, यहां से हम लोग करके जा रहे हैं। 2012 में जो 15% वोट था भाजपा का, आने वाले समय में इस साल के एंड में गुजरात में 150 के पार होगा, उसमें कोई जो रहा असमंजस दिख रहा है। आने वाले समय में कोई प्रत्याशी भी ना खड़ा हो उस तरह पूरी सरकार ने जो काम किया है उसको गिनाया जाए। इसी बात के साथ कुर्सी लगाई वही लगाई करके लोगों से मिल रहे हैं पे लगता है कि जो फिजा बन गई है उसको खाली मतदान मथक के साथ में अपनी वाणी मात्रम पूरे भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी कुश्ते के कारण जिनके नाम की चर्चा है बहुत दूर दूर तक पहुंचाया है। ऐसे आदरणीय मंच पर विराजमान जो कि ब्लॉक प्रमुख मंच पर विराजमान गुजरात के आए हुए हमारे तीनों इतने दिनों जिसके कारण ये साधक हम तो नहीं निकलते, हम तो कंजूसी कर लेते हैं निकलने में, वो समय से निकलते हैं। एक एक दरवाजे पर जाना, एक एक व्यक्ति से आग्रह करना, भारतीय जनता पार्टी के लिए आग्रह करना, हम सब कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। इन कार्यकर्ताओं से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उपस्थित हमारे बहुत कनिष्ठ सब प्रकार के कार्यकर्ता मित्रों, सिपाही की तरह हमने काम किया और मुझे ध्यान है आपके स्नेह आपके आशीर्वाद में हमको छोटे से उठाकर आज इतना
कि प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तक पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को है तो आप ही सब लोगों को है जिन्होंने यहां तक पहुंचाया। आप सबको हमारा सादर प्रणाम है। और उसको आशीर्वाद देने आए आदरणीय सांसद जी मंचस्तर ब्लॉक के तीनों ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय पिताजी से आए हुए कार्यकर्ता जिन्होंने 1700-1800 किलोमीटर से आकर एक ऐसी भावना जिसके लिए माननीय मोदी जी ने संकल्प लेकर रखा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और उस अभियान को गति देने आए हुए गुजरात के हमारे प्रवासी कार्यकर्तागण नेतागण भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण हमारे सब युवा संतन करता हूँ। आप सबका नमन करता हूँ। भारतीय जनता आपके बीच